हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर, माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के लिए 6 नंबर आज ही कंफर्म करवा देता हूं। एकदम 110% ये गारंटी के साथ 2024 एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये 6 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आज ही कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। देखो बच्चों, पहले का जो मॉडल पेपर था उसमें सेंट्रल आइडिया और पोयम एक ही टॉपिक में 3 नंबर का आता था, लेकिन अब की बार जो मॉडल पेपर है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, वैरी किया है। आपको सेंट्रल आइडिया अलग लिखना पड़ेगा 3 नंबर का, ठीक है, और एक पोयम या फिर उस पोयम का जो सारांश होता है, उसका मैसेज क्या होता है, उसके कंपोजर कौन होते हैं, राइटर कौन होते हैं, ये आपको अलग लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको मॉडल पेपर के बारे में बताता हूं, थोड़ा सा डिस्कस करके बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन आएगा। चलिए मैं बुक से, जो मॉडल पेपर है आपका 2024 एग्जाम के लिए, तो इसमें आपका क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 7 जैसे पूछ रहा है कि हु हैज कंपोज्ड द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। What does the poet teach us through this poem? तो जो आपका डस्ट ऑफ स्नो पोयम है उसको किसने कंपोज किया है, और उस पोयम के माध्यम से जो पोएट है वो हमें क्या बताना चाहता है। या तो आपको ये लिखना है, या फिर आपको राइट 4 lines ऑफ एनी पोयम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, या फिर आपके सिलेबस से आपको 4 line की कोई भी पोयम लिखनी है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिए, आपको या तो 4 line की पोयम लिखनी है, या फिर किसी पोयम का नाम दे देगा और कहेगा कि इस पोयम के राइटर कौन है, इसके कंपोजर कौन है, और इस पोयम का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, यानी इस पोयम से हमें क्या सीख मिलती है। तो या फिर आप उसका सारांश लिखिए, या फिर 4 line की पोयम लिखिए। तो ये 3 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा, या तो पोयम लिखिए या फिर किसी पोयम का नाम दे देगा, उसका सारांश लिखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका अगला 3 नंबर का, वो पूछ रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आपको कोई 3 पोएम का नाम दे देगा, ठीक है, 3-4 किसी भी जो आपका चैप्टर है, 3-4 chapter में से किसी भी चैप्टर का नाम दे देगा और कहेगा कि आप इसका सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो इससे सिद्ध होता है, जैसे मान लो उसने दे दिया डस्ट ऑफ स्नो का लिखो, दूसरा दे दिया कि अमांडा चैप्टर का लिखो, ठीक है, और तीसरा आपको दे दिया कि आप जो है फायर एंड आइस का लिखो, फायर एंड आइस। तो आपके पास अब 3 chapter हैं, बुक में रख देता हूं, आपके पास 3 chapter हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है, और ये 3 नंबर का निश्चित है, कंफर्म है आएगा, ठीक है। तो इससे अब जो मॉडल पेपर है वो चेंज हो चुका है, तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि हमें 3 नंबर की पोयम भी लर्न करनी है, और 3 नंबर के लिए सेंट्रल आइडिया भी याद करना है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक सेपरेट हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, और हमें इसे अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि मान लो आपका पोयम या फिर पोयम का सारांश लिखने के लिए आता है तो कैसे लिखेंगे, और सेकंड क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको कैसे लिखना है। अब हम एक एक करके इसको देखते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला पोयम आपका लिया गया है डस्ट ऑफ स्नो से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस चैप्टर से क्वेश्चन निश्चित रूप से आता ही आता है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको तैयार कर लेना है बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखो 4 line की पोयम दी गई है, आपके पास ऑप्शन रहेगा या तो आप, ठीक है, 4 line की पोयम लिखिए सिलेबस से, या फिर किसी पोयम का मान लो नाम दे दिया उसने डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, और कहा कि इसके कंपोजर कौन है, इसके राइटर कौन है, ठीक है, और इस पोयम का मकसद क्या है। तो आप अपनी लैंग्वेज में अगर चैप्टर पढ़े हो तो आसानी से लिख सकते हो कि डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाई, ठीक है, जो आपके रॉबर्ट फ्रोस्ट है, रॉबर्ट फ्रोस्ट ने इसको लिखा है, और इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आपको यह लिखना है। तो डस्ट ऑफ स्नो अगर आपने पढ़ा हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि नेचर की, प्रकृति की कोई भी चीज जो होती है वो बुरी कभी नहीं होती, अपशगुन कभी नहीं होता है, वो हमें हमेशा हमारे लिए अच्छा संदेश देती हैं और हमारे मूड को कभी भी चेंज कर देती हैं। क्योंकि इस पोयम में ये दर्शाया गया है कि कौवा जो है मृत्यु का प्रतीक है, शोक का प्रतीक है,
और जो हेमलॉक ट्री है वो भय का प्रतीक है, लेकिन पोएट उन दोनों से भी खुश हो जाता है जब बर्फ के कण उसके कंधों पर गिरते हैं। तो पोएट क्या संदेश देता है कि नेचर की कोई भी चीज, चाहे वो क्रो हो, चाहे वो हेमलॉक ट्री हो, धतूरे का पेड़, कोई अपशकुन नहीं होता है, वो हमें, हमारे लिए हमेशा ही अच्छे होते हैं। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में और करके आएगा, तो आप जैसे मान लीजिए चैप्टर का नाम दे दिया, तो आपको ये संदेश, उसका, उसके राइटर का नाम और उसका मैसेज जो है, पोएम का संदेश जो है यानी मकसद जो है वो आपको लिखना है, या फिर चार लाइन की कोई पोएम लिखनी है। तो पोएम ध्यान रखना बच्चों, जो भी पोएम आपके उसमें एक्सप्लेन करने के लिए आएगा क्वेश्चन पेपर में, उस पोएम को नहीं लिखना है, अपने सिलेबस से कोई दूसरा पोएम लिखना है। मान लो अगर आपका पोएम जस्ट आप सुनो एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, ये पहला स्टेंजा, तो आप इसको नहीं लिखोगे, ये कॉपी राइटिंग हो जाएगी, ठीक है, आप कॉपी कर रहे हो ना, चीट कर रहे हो। आपको कोई दूसरी, ठीक है, आप इसका सेकेंड स्टेंजा लिख सकते हो, किसी जो है नेक्स्ट चैप्टर, अन्य चैप्टर का भी आप लिख सकते हो चार लाइन की पोएम। तो दोनों में से आपको कोई एक चूज करना है, या तो आप चार लाइन की पोएम लिख दो, या फिर जो पोएम दिया गया है उसके राइटर का नाम और उस पोएम का उद्देश्य जो है यानी हमें जो सीख मिलती है उसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, बिल्कुल आसानी से लिख पाओगे, क्योंकि चैप्टर को मैंने बहुत ही इजी करके बहुत ही अच्छे भाषा में आपको समझा दिया है, आसानी से समझ में आएगी। आप चैप्टर को पूरा देख लो तो आप उसको भी लिख पाओगे। तो बहुत ही प्यारा से जो है ये क्वेश्चन है, और ये 3 नंबर का आपका कन्फर्म है। अगर आप इसको नहीं लिख पाते हो तो आप कम से कम 2 स्टेंजा याद कर लो, अगर एग्जाम में 1 आता है तो आप सेकंड वाला लिख दो, अगर सेकंड वाला आता है तो पहला वाला लिख दो, ठीक है। तो आप ये स्टेंजा एकदम रट लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो ये स्टेंजा आ जाता है तो आप फायर एंड आइस का जो नेक्स्ट है मैं उसको बता देता हूं, उसको लर्न कर लीजिए। मान लो फायर एंड आइस का जाता है तो आपको ये याद रहेगा, आप ये लिख देना, तो 3 नंबर आपका यहां पर कन्फर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि मान लो आप एक पोएम लर्न कर लेते हो, आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आ गया, वो क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो आप दूसरा स्टेंजा भी उसके साथ साथ तैयार रखो, ठीक है। ये दूसरा स्टेंजा अगर तैयार है, पहला वाला अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। हैज गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, ठीक। तो अगर आपको 2 स्टेंजा याद है, चाहे वो सेम चैप्टर का हो या अलग अलग चैप्टर का, जो क्वेश्चन पेपर में जो स्टेंजा आएगा उसको नहीं लिखना है, आपको एनादर यानी दूसरा वाला जो आप तैयार रखोगे वो लिखना है, और ये आपका 3 नंबर एकदम कंफर्म श्योर हो जाएगा, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम पक्का हो जाएगा, ये कहीं नहीं कटना है, ठीक। अब सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है एग्जाम में, थोड़ा सा उसको देखते हैं। चलिए, जो आपका सेंट्रल आइडिया है, तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया 2 हैं, मैं उसको तैयार करवा देता हूं अभी, ठीक है, वो आप रट लीजिए, तैयार कर लीजिए। आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है, सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए 3 ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन ऐसे देगा कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ वन, ठीक है, उसमें 3 ऑप्शन दिया रहेगा। मान लो आपका डस्ट ऑफ स्नो का आता है तो डस्ट ऑफ स्नो का लिख दो, ठीक है, फायर एंड आइस का आता है तो फायर एंड आइस का लिख दो, और तीसरा मान लो आपका जो है अमांडा चैप्टर से आ गया, या कोई भी चैप्टर हो, ठीक है, ऐसे आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, और इसमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस 2 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनमें से एक तो आना ही आना है, ठीक। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, आपको एक ही याद है, तो बड़ी आसानी से आप उसको लिख दो। तो सेंट्रल आइडिया क्या होता है, किसी पोएम का जो केंद्रीय भाव होता है, उस पोएम का विचार जो होता है, ठीक है, उसको सेंट्रल आइडिया कहते हैं। तो ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। तो पहला जो सेंट्रल आइडिया है वो डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है, ठीक है, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो पोएम में क्या कविता का मकसद है, द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट्स आर एक्शंस व्हिच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। तो इस पोएम का मकसद यही है, कभी बताना चाहता है कि कभी कभी जो छोटी सी चीजें होती हैं, ठीक है, कभी यही बताता है कि कभी कभी छोटे जो सर्टेन छोटे छोटे मोमेंट होते हैं, छोटे छोटे क्षण होते हैं, या छोटी सी प्रतिक्रियाएं एक्शंस होते हैं, वो भी हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। दे कैन चेंज द मूड आर लाइफ ऑफ ए पर्सन, और ये किसी भी व्यक्ति के मूड को, ठीक है, या उसके जीवन को परिवर्तित करने का, ठीक है, परिवर्तित कर देती हैं, परिवर्तित करने का वो रखती हैं, ठीक है।
द वे ए क्रो सेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो एंड द पोएट इंस्पायर एंड गिव्स हिम द आइडिया टू सेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट्स बिकम चीयरफुल एंड डू समथिंग यूजफुल। ठीक, तो जिस तरीके से कौवे ने हेमलॉक ट्री को हिला के जो है बर्फ गिराई थी कवि के कंधे पे, तो उससे जो है कवि बहुत इंस्पायर होता है और उसको एक विचार मिलता है, उसको एक आइडिया मिलता है, ठीक है, कि कैसे डिप्रेसिव थॉट को, यानी जो निराश जीवन है, निराश विचार है, उसको त्याग कर एक चीयरफुल लाइफ जीनी चाहिए और ऐसे काम करना चाहिए जो यूजफुल हो। तो वहां पर जो एक छोटा सा एक्शन था, छोटा सा मोमेंट कौवे के द्वारा किया जाता है, कभी के ऊपर हेमलॉक ट्री से बर्फ गिरता है, ठीक है, तो वो कभी के मूड को एकदम से चेंज कर देता है और उसको एक नई, ठीक है, एक न्यू थॉट्स, एक न्यू आइडिया देता है कि एक सॉरोफुल, एक जो है कह लीजिए ग्लूमी जीवन को छोड़कर वो एक हैप्पी लाइफ जीने का, ठीक है, उसके मन में विचार उत्पन्न होता है। तो ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था और उसका ये बहुत ही अच्छा सेंट्रल आइडिया है और इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में श्योर है आएगा ही आएगा, ठीक है। फायर एंड आइस और डस्ट आप सुनो दो रट लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस केवल दो चैप्टर फायर एंड आइस का, एक जो है आप लर्न कर लीजिए स्टेंजा, एक डस्ट ऑफ स्नो का, और दो सेंट्रल आइडिया, एक फायर एंड आइस का और एक डस्ट ऑफ स्नो का, ठीक है। सेकेंड वन देखते हैं बच्चों, जो सेकेंड वन है सेंट्रल आइडिया वो आपके लिया गया है सेकेंड चैप्टर फायर एंड आइस से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, फायर एंड आइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में श्योर है 2024 में इसको आना ही आना है, तो इसको लर्न कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। ये आपका तीन नंबर का कंफर्म हो जाएगा, अगर आप दो सेंट्रल आइडिया याद कर लेते हो डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, तो तीन नंबर का आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो सेंट्रल आइडिया क्या है, द पोएट इक्वेट्स फायर विथ आइस, ठीक है, फायर विथ डिजायर एंड आइस विथ हेटेड। यहाँ पे जो कवि होता है वो डिजायर यानी इच्छाओं को फायर आग से तुलना करता है, आग के बराबर मानता है, और जो हेट्रेड होता है, जो एक कैसे कह सकते हैं बिलगाव, बिछड़पन यानी किसी से लगाव ना रहना, वो बर्फ के बराबर होता है, बर्फ के समान होता है, ठीक है। तो यहां पर कभी इच्छाओं की तुलना आग से करता है और हेट्रेड यानी जो उदासी होती है उसकी तुलना बर्फ से करता है, और फिर कहता है बोथ, ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विथ इनॉर्मस स्पीड। ये दोनों ही चीजें, ठीक है, हमारे जीवन में बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही विशालकाय स्तर पर बढ़ रही हैं। इफ वी डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोइंग द वर्ल्ड विल पेरिस। अगर हम इसको नहीं चेक करेंगे, ठीक है, इसको नहीं जांचेंगे कि ये कितना ज्यादा बढ़ गई हैं भावनाएं, तो एक ना एक दिन जब ये बहुत ज्यादा व्यापक रूप ले लेंगी तो पूरा विश्व पेरिस यानी वो नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय बोलते हैं, रियोन बोलते हैं, तो पूरा संसार खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो तीव्र इच्छा होती है किसी भी चीज को पाने की, जो जिद एक प्रकार से एक लिमिट में होता है कि चलो मेरे पास थोड़ा धन है, मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, मेरी जीविका चले, लग्जरी लाइफ हो, लेकिन अगर आपकी ये इच्छा हो कि मैं संसार की जितनी भी भौतिक चीज हो मेरे पास हो, तो इसको वायलेंट डिजायर बोलते हैं, ये खतरनाक होती है। अगर आपके अपने हैं, आप उनसे प्रेम भाव रखते हो, तो ये अच्छी चीज है, लेकिन आपको अपने मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है, किसी फ्रेंड से कोई मतलब नहीं है, तो ये उदासी का जीवन है, ये कह लीजिए एक प्रकार से अकेलापन भी मनुष्य को बर्बाद कर देगा। अगर सभी लोग एक दूसरे से मतलब ही नहीं रखेंगे तो संसार कैसे चलेगा, या फिर किसी के मन में इतनी तीव्र इच्छाओं कि सब कुछ उसी को चाहिए, तब भी संसार नष्ट हो जाएगा। तो फायर एंड आइस यानी जो हैट्रेड और जो डिजायर है, दोनों ही संसार के लिए, नष्ट के लिए जो है, दोनों ही समान रूप से बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो हमें इनको चेक करना चाहिए कि हमारे अंदर कहीं ऐसी भावना तो नहीं उत्पन्न हो रही है, अगर उत्पन्न हो रहे तो हम उसको सप्रेस कर दें, दबा दें। हमें हेट यानी उदासी के बजाय प्रेम भाव रखना चाहिए, संबंध बनाने चाहिए, और जो वायलेंट डिजायर है तो एक सीमित इच्छा को छोड़ के जो अन्य जो वायलेंट डिजायर होती है उसको भी कम करना चाहिए, ठीक है। दोनों हमारे लिए बहुत ही ज्यादा संसार के नष्ट के लिए एक समान है, ठीक। सो वी मस्ट रिटेन आवर डिजायर यानी हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए, एंड लव आवर फेलो बींग्स और अपने सभी मित्रों से, अपने सभी जान पहचान वालों से भी प्यार करना चाहिए। तो दोनों चीजें खतरनाक होती हैं, ठीक है, तो दोनों को हमें सीमित रखना है, सप्रेस कर देना है। तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और इसका सेंट्रल आइडिया जो केंद्रीय भाव है, एग्जाम में निश्चित रूप से आना ही आना है,
तीन नंबर का आपका कंफर्म है, तो डस्ट आप स्नो का सेंट्रल आइडिया और फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया तैयार कर लो, ठीक है। एकदम गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको एग्जाम में तीन नंबर कहीं नहीं जाना है, और दो स्टैंजा तैयार कर लो, चाहे सेम चैप्टर का या फिर अलग अलग चैप्टर के दो। जो स्टैंजा एग्जाम में आएगा उसको मत लिखना, जो नहीं आएगा उसको लिखना है, ठीक। तो 3+3 6 नंबर आपका यहां पर 2024 के लिए एकदम कंफर्म है, इसको अच्छे से अभी रट लो, तैयार कर लो। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, सरवन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां से आपको सारे क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा।